हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस जो साइंस, हिस्ट्री और भूगोल से संबंधित सभी मिक्स 1000 क्वेश्चंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि जो 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 भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों, ये पहला उसका पहला पार्ट है, दो भागों में दो वीडियो बनेंगे 1000 क्वेश्चंस में। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो आंसर है अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत विभाजन के रूप में जाना जाता है। बनी थनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़ शैली से। अब को निशानी अब न नशेयो पद तुलसीदास की किस कृति से कृति में मिलती है? विनय पत्रिका में मिलती है। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो उड़ीसा राज्य। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण में से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का क्या नाम है? बताओ, लक्ष्मण रेखा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो परशुराम की वजह से। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 326 से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। स्वतंत्र आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? तो खेड़ा संघर्ष में हुआ। स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। छौंजी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्या द्वारा। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अवसर का प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? हेलियोथेरेपी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किन खनिज से प्राप्त होता है? तो गैलिना से। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। सार कब स्थापित किया गया था? 1985 में स्थापित किया गया था। सामाजिक गतिशीलता को समक्ष एवं उद्यग्रह में विभाजित करने वाले विद्वान थे? सोरोकिन। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। सरोता किस श्रेणी का उत्तलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग को क्या कहलाती है? मैग्नेटिक माइंस। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ से होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा में। सबसे बड़ा एनजीओ इस परम पौधा कौन सा है? उकेलिप्टस। सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? विष्णु को। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डी डी
आइजन हावर, वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र शास्त्र में वर्णित है? राजनीति विषय। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? असम का। गीरा अन्य नयन बिनु बाने किस कवि की उक्ति है? तुलसीदास की। हिमाई प्रथम बार भारत कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 ईस्वी में। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? शिव। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक करने जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 6। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल से आगे थे? कपास। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। सेलेक्टेड टेस्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज कैप केस बटन क्लिक कर उसे फिर से क्लिक करें। अपर केस। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों में कितने वर्षों के लिए सुना जाता है? 2 वर्षों के लिए सुना जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क से मिला? गैलिनो से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था? मान बुकर पुरस्कार। सामाजिक घटनाओं के कारण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? मैक्स वेबर ने। सांसी का स्तूप किसने बनवाया था? इसका इसका आंसर दोस्तों आप मेरे को कमेंट में जरूर दें। अशोक ने सांसी का स्तूप बनाया था। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पहाजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? डॉन के पंख। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809 से लेके 10 में। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? गोवा में। सन 1967 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फील्ड प्लास्ट का प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुदान करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A से संबंधित है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तुलसीदास शर्मा। दिनेश। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपात को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया था? गौरी 2 को। शेनजू 2 एवं शेनजू 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? चीन के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? सरहिंद का युद्ध। हिंदू मानवता के अनुसार 4 वेद है, उसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई थी? साप्ताहिक रूप में।
हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? रावण। हवा में नमी बढ़ जाने पर त्योहनी की चाल घट जाती है। हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, घटती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुण्यभूति राजा राजा द्वारा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगा इस्तनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश है? 5। सीमा को साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो SO2 बाहर निकलती है। सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? तो सुभाष चंद्र गर्ग को। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुस्तकालय कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पेंगलर। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल शहर की। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? उच्छेस्वा। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 में किया था? रूस ने। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। साप्ताहिक का अर्थ क्या होता है? 7 दिन। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, एकतन किसका है? वी स्मिथ का। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। केंद्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चेन्नई में। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अगला क्वेश्चन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? गेलेना से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थिर ऊर्जा। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वापिस वीडियो को चलाया है। अगला क्वेश्चन, महान लॉबिस समिति किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय से। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, एक काव्य पंक्ति किस द्वारा रचित है? सोनलाल द्विवेदी द्वारा। हिमायू की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञात की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती। सरस्वती को ज्ञात की देवी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। हाइटस पर्वत किस देश में स्थित है? USA में। हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एंजाइम लेज। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है? न्यूयॉर्क में।
स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का सौरमंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रमशः है चार चार। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा रहता है सेकेंडरी स्टोर डिवाइस में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सुरामिन नानक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? एड्स एड्स की। सीसा साद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका पूरा धुआं निकालता है? NO2 का। स्वीडी सेहत की नक्शा दे दे नक्शा नक नक्काशी द्वार जाली कहाँ पे है? अहमदाबाद में। सार्क कहाँ स्थापित किया गया? ढाका में। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्यातवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? कार्ल मार्क्स से। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 23 दिसंबर 1993 ईस्वी में। सर्वाधिक वनसावादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है खोखली ईंटें। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 में। सबसे हालिया 25 मई 2009 को किस देश ने परमाणु परीक्षण किया था? तो उत्तरी कोरिया ने। सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल। सबसे अधिक लचीली एवं पीट कर बनाने वाली यौगिक धातु कौन सा है? सोना। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में अकेले अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह किसका कथन है? विंसेंट स्मिथ का। एक्स देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण हो तो। सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का संग्रह देश कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? 1/6 गुना। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला श्रेणी है? बिहार की। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वह कथन किसका है? किस कवि का है? तो बाल मुकुंद गुप्त का। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? द्वापर युग में। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात पार्व की दो आंखें हैं यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी? दमयंती। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समता मंडल। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? अमेरिका। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर चच्चिदानंद सिंह। स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का ज्ञात हमें सही सही हो जाता है यह सही कथन है क्या? यह सही कथन है। कभी कभी सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह है टाइटन। सेंड डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल कहते हैं। सेव्ड डॉक्यूमेंट को फाइल कहते हैं। सूर्य की स्थिर स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? उत्तरायण। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन फ्रांस रूस ब्रिटेन अमेरिका। सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? बया। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? संथाल विद्रोह के। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? कार्ल मार्क्स से। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? अष्टांगिक मार्ग को। सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक
सरा रोग किससे होता है? ऊंट से। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है वैदिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? GPO मुंबई। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम सरकी ने। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक किस है ये किसने कहा? DD बसु ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। संतुलन कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु करना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू ने। हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? फ्रांस की क्रांति का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो त्रेता युग में। हिंदू धर्म में तीन ऋण माने गए हैं, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने सुराया था? इंद्र ने। हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? एक्सीलेटरोमीटर। हमारे सौर परिवार के सदर में कौन सा कथन सही है? सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? बरगद का पेड़। स्पेन देश के लिए वेबसाइटी कोड क्या है? ES ES। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? हिंद महासागर में। सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण है अधिक दूरी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सोगान क्रीडा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। सुत कांगेडोर और सुरकोटडा कैसे नगर थे? समुद्र तटीय नगर थे। चिदपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? व्यापार व्यवहार के सांस्कृतिक एवं स्थगित तरीकों को। सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं एल तरंगे। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? एरावत। समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अगस्ट कॉम्टेवो। सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? सोडियम। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोना पार्ट को। अनवर ए सुहिदी ग्रंथ किसका अनुवाद था? पंचतंत्र का। मध्य रात्रि की कठोर पर जब संसार सोता होगा पार्क अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा थॉमस कोटज। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, मैडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल की। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। हेलियोडोर के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? केवल वासुदेव का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाग्य और धन की देवी किसे कहा जा गया है? लक्ष्मी को। हिंदू व पातशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया था? बाजीराव प्रथम ने। हिंदू कथाओं के अनुसार रुक्मणी किसकी मुख्य रानी थी? कृष्ण की। असदो रामपुर कोयला क्षेत्र में किन जिलों में है? कोरबा, रायगढ़। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए सबसे कम समय लेता है? बुध। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवणकर। स्पेन सीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच स्थित है? मंगल और शुक्र। सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सूर्य और कुंती का पुत्र कौन है? वसुसेन। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कुजात। चिन्हुआ किस देश का न्यूज एजेंसी का नाम है? चीन का। सिनकोना के वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है? कुनेन। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अमेरिकन कौन है? टोनी मॉरिसन। सामाजिक सहिष्णुता नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने। सांस्कृतिक पक्षता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? कारुवाकी ने। समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? फ्रांस में। सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह है शनि। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। नामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांगे और सावधि देव देत्याय पद बंद कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उसका उपयोग प्रयोग किनके संबंध में किया जाता है? बैंक कार्यों में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। यह हेली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? सन 2062 का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानक का पिता किसे कहा जाता है? मनु को। हिंदू परंपराओं के अनुसार कितने वेद है? 4। हिंदू कथाओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि से किसका जन्म हुआ था? ब्रह्मा का। हसन निजामी एवं फखरुद्दीन किसके दरबारी विद्वान थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। रासोना किसे कहा जाता है? चाय को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी? सूर कोटड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किसके योजना काल में किया गया था? योजनावकाश काल में। स्फीति के अंदर की अवधारणा किसे प्रतिपादित की? प्रोकेज ने। सौर मंडल में पृथ्वी को भी अनोखा ग्रह किस कारण कहा गया? जीवन अस्तित्व में।
सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। सूर्य के गिरते एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। सुल्तान सुन जाने के समय इस्तुमिक पार्ट में किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं। सी जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, ये किसका कथन है? मदन मोहन मानवी का। दोस्तों अगले क्वेश्चंस का उत्तर आप मेरे को कमेंट में जरूर दीजिए। सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका उत्तर है थॉमस अल्वा एडमिन ने। अगला क्वेश्चन है, सिंद्री में खाद कारखाना कब लगाया गया था? 1951 ईस्वी में। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा की सूची में है, समवर्ती सूची में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है? 35 साल। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बड़े बने होने के संकेत मिले थे? कनिष्क के। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलाम की उपाधि से अलंकृत किया था? मोहम्मद हुसैन को। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। सबसे बड़े पंख विस्तारने वाला पक्षी कौन सा है? वांदरिंग अल्वात्रास सबसे बड़े पंख विस्तारने वाला पक्षी है। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। आनंद मठ किसकी रचना है? बकिम चंद्र चटर्जी की। अंडू टू लास्ट के लेखक कौन है? अंटू द लास्ट के लेखक है जॉन रक्सिन। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वस्त्र में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी व सेवपूर्ण निष्पादन की भावना पर देना उपरोक्त अंश संबंधित है सामुदायिक विकास से। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? रुकड़ी में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमॉस। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। येलो धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया था, इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया? 1987 में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? विष्णु से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के कहने पर किसने अपनी माँ का सहार किया था? परशुराम ने। हिंदू कथाओं के अनुसार शकुंतला की माता कौन थी? मेनका। हमारे देश में निर्वासन का प्रावधान सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था? 1892 में। हरी प्रसाद सौरसिया किस संगीत वाद्य अंतर में प्रसिद्ध है? बांसुरी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में नक्काशीदारी टिमिडी? काली बंगा में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्मिथ ने अकबर के किस अधिभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात विजय को। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध ग्रह। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। सूर्य के सारों और सकल लगाने वाले न्यूनतम समय लेने वाला ग्रह है? बुध। सूर्योदय का देश किस देश को कहा गया है? जापान को। सुंदर परम किशोर बयाक्रम संचल नयन मिसाल कर्मुली सिर मोर पंख मितांबर
पुर मनबाल, ये पंक्तियाँ किसकी रचनाकार की है? बिहारी की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? रोहतन। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी। वेपर। साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? हैदराबाद का। सर्वाधिक सकल गैर गैर निष्पक्षी परिसंपत्ति वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सर्वप्रथम किसने होमरूल लिंग की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख बाबरू में है। बाबू किस राज्य में है? राजस्थान में। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का। सबसे बड़े से छोटे क्रम में कौन सा लिस्टेड है? TB, GB, MB और KB। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली का। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बॉम्बे बाबा आमटे ने। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ की थी? 2 अक्टूबर 2000 को। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। एक प्रोग्रामिंग भाषा का अधिकार एक प्रोमा प्रोग्रामिंग भाषा का अपना लिए अलग सेट किया था कि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आरक्षित शब्द। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? राज्यसभा। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा है? मोटे अनाजों पर। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लुफ्थांसा किस देश की एयरलाइंस है? जर्मनी की। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1875 ईस्वी में। पहली धूमकेतु है? आवर्ती धूमकेतु। हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि का विनाशक कौन है? शिव। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उत्तानपाद के किस बेटे को विष्णु ने वरदान मिला था? ध्रुव को। हिंदू कथाओं के अनुसार शनि के पिता कौन थे? सूर्य। हाइकू मूल रूप से किस देश की कविता है? जापान की। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? हिसार। शियादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की कला कैसी होती है? अमावस्या। सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविता लिखता था? गुरु रुखी। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन से पाए जाते हैं? ज्वारीय वन से। सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ली कुआनयू। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। साइमन कमीशन का गठन भारत में कब किया गया था? 1927 ईस्वी में।
साइबेरिया में स्थित एकेडेम गोराय नामक प्रसिद्ध है विज्ञान नगर के कारण। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? शीशा। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत दादा साहेब फुल्के फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सन में हुई थी? 1945 में। समाचार पत्र विश्व के सबसे पहले कौन से देश में प्रकाशित हुआ? जर्मनी। सबसे भारी कीट कौन सा है? एलीगुबेला। सबसे कम ऊंट कहाँ है? झालावाड़ में। आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का। अन्ना कैटोरीना की रचना किसने की थी? लियो टॉलस्टॉय ने। यंत्र नारस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का है? मनुस्मृति। वायरलेस मोबाइल उपकरणों जैसे वेब और ईमेल के रूप में इंटरनेट और अपनी सेवा का उपयोग करने की अनुमति देता है वेब। संसद की लोक लेखा समिति का कार्य प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा विनियमन तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। स्ट्रीमी आईटून किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉप गायकी से। नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी में। साइलेंट सैली वैली किस राज्य में है? केरल में। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अंडरवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1987 ईस्वी में। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवत कृष्ण की माँ कौन थी? रुक्मणी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आज आज अजगाव नामक धनुष किसके पास था? शिव के पास। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ पे है? वेद। हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण का वितरण सर्वप्रथम किसने दिया? H.C. ब्राउन ने। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? गेहूं पर। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? मंदसौर में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य की तीव्र किरणों से जूझने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सुषमा स्वराज 1977 में 25 वर्ष की आयु में कहाँ पर अपने करियर में पहली बार मंत्री बनी थी? हरियाणा में। सुप्रसिद्ध कविता विद्रोह की किसने रचना की थी? रफीक नजरुल इस्लाम ने। सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल्स। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब से मनाया जाता है? 7 दिसंबर 1949 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। सरोजिनी नायडू को भारत में प्लेग की महामारी के दौरान अपने काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कैसर ए हिंद पदक से। संप सभा के संस्थापक कौन थे? गोविंद गुरु। समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र है सामाजिक समूह। सबसे भारू धातु कौन सी है? ओस्मियन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। अपना खेत अपना काम योजना किस राज्य से संबंध है? राजस्थान से। यह भारतीय है वीर जवान भारत। उचित ही तुमने कही किस कवि की कविता की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की।
आप एक साथ एक ब्राउजर विंडो में खुले कई वेब पेजों को रखने के लिए सक्षम बनाता है। टैब बॉक्स संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 100वें संशोधन द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेटिनियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। हेडफोन के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव परिवार में कितने सदस्य है? 2, 4, 4 सदस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने रंभा को श्राप देकर एक पत्थर में तब्दील कर दिया था? विश्वामित्र ने। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ में है? वेद में। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक इस सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है? 1s। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दाल में। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4.34/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपना प्राण त्याग दिया? भीष्म ने। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। सुशांति किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को मार्च 2015 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाडली वाइन्स ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। सियोल सीमा और लिपे के रूप में वृक्ष पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसने विभाजित किया? चुवेस ने। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर। सामान्यतः कौन उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1970 में इंग्लैंड में। संपाति और जटायु के पिता का क्या नाम था? अरुण। समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहिणी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहन के रूप में माना जाता है, ये किसने कहा है? बॉन्स एंड बीकर ने। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह है? बृहस्पति। आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने की कला आंदोलन का प्रसार भारत और विदेश में कौन कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? श्री रविशंकर। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है एक कथन किसका है? प्लूटो का। फोल्डर आप शुरू कर दिया लेकिन अभी तक भेजने के लिए नहीं है कि संदेश की प्रतिमा रखना है? आउटबॉक्स फोल्डर। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन किसकी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। न्यूनतम
न्यू नट की गति का प्रथम नियम का क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। उष्मा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस क्षेत्रकार की कष्ट करतिया है? नंदलाल बोस की। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम ने किस किसका धनुष तोड़ा था? परशुराम का। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के राजा की पुत्री रेवती के पति कौन थे? बलराम। दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हिंदू हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? टाइम मिलता आपको 5 सेकेंड। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपनाम है? एक्लोलोनी। प्रतिरक्षणों के वाणिज्य उत्पादन के लिए हरित लवक यानी कि क्लोरोफिलद में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कैल्शियम। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सॉफ्ट कॉपी का क्या अर्थ होता है? स्क्रीन आउटपुट। सूर्य को ग्रहों के बढ़ते क्रम को दूरी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? वर्ष अवधि बढ़ती जाती है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन श्वसन गति को क्या कहते हैं? ब्राउनिंग मूवमेंट। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग में से संबंधित है? प्रस्तर धातु युग से। सानिया मिर्जा को कब अमेरिका में विश्व की टेनिस की दिग्गज हस्तियों के बीच WTA का मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड प्रदान किया गया था 2006 में? साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? हार्टोग समिति की। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? 31 न्यायाधीशों की। सर्वोत्तम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? सिरस। संयुक्त राष्ट्र संघ भवन के क्षेत्र में कौन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता? पुलिसकर्मी। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन एकतन किसका है? सीमेल। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। सबसे खारा जल कौन सा है? समुद्र जल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए कितने सदस्य है? 54। अमर सिंह किसके राज दरबार में संबंध थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विशेष रूप से डिजाइन कर रहे कंप्यूटर चिप्स जैसे आपके कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मास्टेट के रूप में अन्य उपकरणों के अंदर रहते हैं। कंप्यूटर एम्बेडेड। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 से। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है?
पीर पंजाल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि होती है? द्रव्यमान। 1781 ईस्वी उपनिवेशी जल सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कारगिल विजय युद्ध कब, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हिंदू विधि एक पुस्तक मिता किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम को प्रसाद किसने दिया था? शिव ने। हिंदू पंचांग का पहला मास कौन सा होता है? चैत्र। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलबर्ग में। हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना? 1968 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रही है? राम कृष्ण मिशन की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। स्वतंत्रता भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने के में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति को। सॉफ्टवेयर सिस्टम उपयोगिता और के मुख्य प्रकार है जो आवेदन। सूर्य से तीसरा कम दूर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूचना की उच्च सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है? बिट। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? चीन का। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और एक साथ काम करने के लिए सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है कि कार्यक्रमों का सेट है? आवेदन। सिंधु घाटी सभ्यता किन जगहों में से है? किसके नाम का मतलब यानी सिंधु भाषा में मृतकों की टीला होता है? मोहनजोदड़ो। सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्री परिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। साईं बाबा का मंदिर भवन भारत में कहाँ है? शिरडी में। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? दशमलव प्रणाली। सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में कितने सर्ग मिलते हैं? 665 सर्ग मिलते हैं। सर्ग की क्रम मुद्दे का संबंध किस देशों से है? भारत पाकिस्तान। समान ताप वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मर्त सागर। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? क्लेमाइड डोमेनेरा। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? W.W. रॉस्टेव ने। अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने। विदेशी पूंजी संस्थानों की लूट और शोषण का जरिया है यह किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। विशेष रूप से बहुत तेजी से जटिल परिकलन करते कंप्यूटर तैयार हो रहे हैं? सर्वर। संसद भवन कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? 1991 में। पांडे शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदेव को किसने श्राप दिया था कि वे शिवजी के आंख से कि वो शिवजी के आंख से निकले यज्ञ से राख में बदल जाएगा? ब्रह्मा ने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह किससे किसके साथ हुआ था? सूर्य के साथ। पूर्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रभु मन किस भगवान का अवतार है? काम का। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक है आचार्य श्री राम शर्मा। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? शतरंज के। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? हरा, पीला और लाल। स्वतंत्र भारत का प्रथम घोटाला कौन सा था? जीप घोटाला। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पांचवा। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? विलियम हेनरी गेट्स ने। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धी मूल्य किससे निर्मित है? सॉफ्टवेयर की सामर्थ्य और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस एक्टवेयर और प्रयोग करता है। सुबह का तारा के नाम से जाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नियावा नगरी उद्गम है महानदी का। सिंधु नदी सभ्यता का नवीकरण स्थान कौन सा है? धोलावीरा। सारंगी बांसुरी के बजाते समय अलग अलग प्रकार की ध्वनि बदली जाती है। तार वायु की स्तंभ की लंबाई में परिवर्तन करके। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? विशालपुर में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया था। उसने किस वर्ग को इस कर से पुनत कर दिया था? ब्राह्मणों का। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारत औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। सम्मान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आईसोएल। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? बाबूजी की। सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कलेक्टर को विशिष्ट 8-बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? एप्सडिक एप्सडिक। ओम्स एड मैन के लेखक कौन हैं? जॉर्ज बर्नार्ड साओ। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। श्रम विभाजन बाजरे के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ का। मनुष्य के बुद्धि का एक ही प्रकार है, प्रदर्शन मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास किया है कृत्रिम बुद्धि। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? वर्ष 1977 ईस्वी में। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्लीन, कल्याण से पुणे के बीच। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। द साइल इज फादर ऑफ मैन किसने कहा? विलियम वर्ड सवर्थन ने। समावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? जैन धर्म से। दोस्तों, अगले क्वेश्चंस का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? आपको समय मिलता है 5 सेकेंड। आंसर है चीन की सीखा को हैदराबाद का निजामु मुल्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 500 क्वेश्चंस पूरे हुए और अगले वीडियो में 500 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके कुछ
परीक्षा में हेल्प करे। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।